Let it bang, bang. तो ये रहा आपके सामने SJ6 लेजेंड। ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से, 10,000 इसका प्राइस है। अगर आपके पास अमेजोन पे कार्ड है तो उसमें आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस में है। दो स्क्रीन मिलता है फ्रंट और बैक में, जायरो स्टेबलाइजेशन है, 4K में 24 FPS है रेजोल्यूशन इसमें मिलता है आपको, और वाईफाई इसमें आपको मिलता है। और इसका जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर और एप्पल में, ये जो QR कोड है इसको आप सेंस करने से ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा और कन्वीनियंट हो जाएगा मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए। और ये कुछ एसेसरीज मिलता है जो बाहर में दिखाया, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। तो एक चीज़ मैंने नोट किया अमेजोन में कि कुछ जगह लिखा हुआ है 12 मेगापिक्सल, कुछ जगह लिखा हुआ है 14 और कुछ जगह लिखा हुआ है 16 मेगापिक्सल। तो वहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, वहाँ पर मैं भी दिखा देता हूँ। देखिए 16 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है इसमें, और लेंस जो इसका है 160 डिग्री का ये वाइड एंगल लेंस इसमें दिया गया है। 1000 mAh का बैटरी है इसमें, और 28 microSD कार्ड ये सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अप टू 32 GB ईजिली ये सपोर्ट कर लेगी। और इसमें मिनी USB आपको मिलता है जो कि माइक्रो USB केबल बी टाइप होता है, और एक्सटर्नल माइक इसमें सपोर्टेड है, लेकिन इसके साथ आपको मिलता नहीं है। SGCAM का रिमोट कंट्रोल भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इस पैकेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि एक्सटर्नल माइक इसमें सपोर्टेड है। तो कैमरा को यहाँ से निकाल लेते हैं, कवर को हटा लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर में SJCAM लेजेंड का कैमरा, और यह अंदर में प्लास्टिक लगा हुआ है, सामने लेंस में भी प्लास्टिक है। इसको चलिए जल्दी से खोलते हैं, फिलहाल तो अभी ऑपरेट करेगा नहीं क्योंकि इसमें microSD कार्ड है नहीं, हर एक एक्शन गेम में ऐसा होता है। तो चलिए इसमें SD कार्ड में लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बस जो अवेलेबल SD कार्ड है सैंडिस्क का अल्ट्रा है, 64 GB Class 10 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे Class 10 का है। इसको मैं लगा कर देखता हूँ, हालांकि लिखा हुआ था 28 सपोर्टेड, लेकिन मैं इसको लगा के एक बार में ही चेक हो जाएगा। तो कैमरा को खोलने के लिए यहाँ पे एक ओपन का बटन दिखता है, इसको आपको राइट हैंड साइड में खींचना है, इसको पुल करना है और ये खुल जाएगी। तो केसिंग बहुत कॉम्पैक्ट है, ये निकल के आ गया कैमरा। और यहाँ पे आपको एक बैटरी दिया जाता है अंदर में, ठीक है, इसको लगाने के लिए इसको खींच के, अच्छा बात है ये स्प्रिंग एक्शन है, ठीक है। और ये है इसका बैटरी जो कि 1000 mAh का बैटरी है, देख लीजिए। तो इसको मैं लगा देता हूँ, देखते हैं इसमें कुछ जूस बचा हुआ या नहीं। और ये रहा इसका जो मेरे पास था 64 GB का SD कार्ड Class 10 का, उसको मैं लगा देता हूँ इसमें। और इसको अब ऑन करता हूँ, तो ये हो गया ऑन इसका। बाय डिफॉल्ट जो ये जो फोटो का जो स्टिल मेगापिक्सल दिखा रहा है वो है 12, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और जो ये फर्स्ट इंटरफेस है यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है राइट कॉर्नर में, और नीचे में सेटिंग्स है, यहाँ पे गैलरी होगा मेरे ख्याल से, जी हाँ गैलरी है। और सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में इमेज साइज जाके देखिए, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल मिल जाता है, यहाँ पर मैं 16 मेगापिक्सल, बहुत सारा इसमें है। इसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और एक बात है कि इसमें जो टच स्क्रीन जो है, बहुत जगह इस ये परचेस करने के पहले बहुत सारे वीडियो मैंने देखा था, कहा गया था टच स्क्रीन उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा है फिलहाल तो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। मैं जूम करता हूँ तो देखिए, मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ यहाँ पे और बहुत बढ़िया से ये टच स्क्रीन इसका रिस्पॉन्स कर रही है, कोई इशू कुछ भी नहीं है। और मैं एक फोटो भी क्लिक करता हूँ, पता नहीं जूम होता है, नहीं जूम नहीं होता ऐसा। अगर मैं वीडियो में सेटिंग करना चाहता हूँ तो वीडियो क्लिक करना पड़ेगा, ये आ गया वीडियो में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 180 60 फ्रेम पर सेकेंड वाइड व्यू में ये आ रहा है। तो यहाँ पे इसका माइक्रोफोन का ऑप्शन है,
ये देख सकते हैं स्क्रीन दोस्तों, रियली बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत रेस्पॉन्सिव है। स्लो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो लैप्स का ऑप्शन है, स्टिल फोटो है, फोटो लैप्स है, बर्स्ट मोड है, कार मोड है। कार मोड थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं क्या है इसमें। तो कार मोड में पता नहीं कुछ अलग से कुछ फीचर्स होगा, बाद में मैं देखता हूँ। और अंडर वाटर मोड है, फोटो एंड वीडियो है, वीडियो के साथ आप फोटो भी शूट कर सकते हैं। वो क्या क्या मिलता है देखते हैं, चलिए सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में आपको रेजोल्यूशन में 4K 24 फ्रेम पर सेकेंड, 2K 30 फ्रेम पर सेकेंड, 180p 60 फ्रेम पर सेकेंड, 100p 50 मिल जाता है, 180p 30 FPS। तो 180 में बहुत सारा वेरिएशन दिया गया है, 180p 30 फ्रेम पर सेकेंड 4:3 में आपको मिल जाता है इसमें, 180p बहुत सारा मतलब 100 का इतना सारा वेरिएशन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी एक्शन कैमरा में। और यहाँ पे 720p में कुछ वेरिएशन है, जैसे 120 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम पर सेकेंड, VGA 2 40 फ्रेम पर सेकेंड, जो कोई यूज़ करता नहीं है मेरे हिसाब से। डेड टाइम मिल जाता है आपको यहाँ पे, फॉर्मेट आप कर सकते हैं इसको। और गिम्बल कंट्रोल है, गिम्बल कंट्रोल अगर इसमें गिम्बल लगाते हैं तो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग होगा, हो सकता है वो ऑन हो जाए तो। और FPV मिलता है इसमें आपको, TV मोड मिलता है, तो बहुत सारा वेरिएशन इसमें है, फास्ट रिकॉर्ड है। तो ये सब मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा क्या क्या है नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बनाऊंगा। FOV मिलता है यहाँ पे, एक है FOV का मतलब है फील्ड ऑफ व्यू, कितना एरिया कवर करेगा। तो वाइड, मिडिल, नैरो, तीन ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। एक ही डाउनफॉल जो मुझे लगा, अगर आप जायरो को ऑन कर देते हैं, यहाँ पर जायरो का ऑप्शन है, जायरो को अगर ऑन कर देते हैं या लो हाई किसी में भी रखते हैं तो FOV डिजेबल हो जाता है। और एक मोड इसमें रहेगा नीचे में डिस्टोर्शन करेक्शन, जैसे होता है कि एक्शन कैमरे से आप शूट करते हैं तो जो एंड पॉइंट है, लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट है, थोड़ा डाउन साइड में वो कर्व हो जाता है, जो हॉरिजन है थोड़ा कर्व हो जाता है। तो अगर इसको आप ऑन कर देते हैं, डिस्टोर्शन करेक्शन को अगर ऑन कर देते हैं, तो वो जो हॉरिजन आप देख पाते हैं कि एकदम बेंड होकर रखा है, वो स्ट्रेट हो जाता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी ऑन करने से मेरे ख्याल से जो वाइड एंगल है वो आपका नहीं रहता है। तो मोड में जाने के लिए यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाता है एक शॉर्ट की, यहाँ पे जाने से मोड में आप चले जाएंगे। और अगर सेटिंग में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, कि हो सकता है कि अगर स्क्रीन टच आपका काम नहीं कर रहा है बारिश में, या आप ग्लव्स पहने हैं काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं इसका टच रिस्पॉन्स से बहुत इंप्रेस हूँ, अच्छा काम कर रहा है। और सामने आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है, प्रेजेंट जो रेजोल्यूशन और फ्रेम पर सेकेंड वो देता है, कितना टाइम ये रिकॉर्ड कर रही है वो। अभी देखिए यहाँ पे 39.1 GB मेरा फ्री है अभी, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और टाइम अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे तीन लाइट आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी एक लाइट है और यहाँ पे भी कुछ लाइट्स हैं, ये मुझे भी देखना पड़ेगा ये सब क्या है। एसेसरीज देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ अटैचमेंट आपको ढेर सारा मिल जाता है जो कि अच्छा है। मुझे एक चीज़ देखने को मिला, शायद ये मैं देख रहा था, वाटरप्रूफ केस टच बैक डोर, ठीक है, मतलब ये 10 फीट तक ये काम करेगी, 3 मीटर। इसको आप लगाएंगे तो बाहर से आप जो केस है वो केस के बाहर से आप ये टच कंट्रोल, ये कंट्रोल भी होगा, ये वाटरप्रूफ भी है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे दिया गया है एक ओपन केसिंग दिया गया है, और भी बहुत सारे हैं, एक क्लॉथ दिया गया है क्लीन करने के लिए, SJKM का स्टिकर भी है, अगर आप प्रोमोट करना चाहते हैं बाइक में, ये हेलमेट में लगा सकते हैं। और ये कुछ कर्व, और ये कुछ माउंट मिल जाता है यहाँ पे, एक कर्व है, एक स्ट्रेट है, 3M का स्टिकर भी है, ये हैंडल बार में लगाने के लिए बाइक या मोटरसाइकिल में। और यही सब है इसमें, और कुछ अटैचमेंट है जिससे आप एंगल को चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो अटैचमेंट है बहुत काम का है रोटेट करने के लिए, मैंने जब यूज़ किया था एक एंड में पता चला था बहुत काम का ये अटैचमेंट है, जो आपको मिल जाता है लेकिन वहाँ पे नहीं मिलता, आपको परचेस करना पड़ता है। तो ये भी कुछ अटैचमेंट है जिससे के लिए आप साइड माउंट ऑफ कर सकते हैं ये सब। यहाँ पे एक लेंस कवर मिल जाता है, अच्छी बात है। ये है चार्जिंग कॉर्ड और कनेक्टिविटी कॉर्ड, जो MicroUSB टाइप का है। और बैटरी जब चार्ज होता है, एक्शन कैमरा जब चार्ज होता है तो कुछ इस तरह देखने में लगता है। और जब वाईफाई कनेक्टेड होता है तो पेयरिंग के लिए ऐसे ब्लिंक होता है जब डाटा ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना मत भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर, एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।